नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आरती कुशवाहा। उम्मीद करूंगी आप सब अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो में ना मैं ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि हर एक लड़की रिलेट कर सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पीरियड को लेके, और साथ ही साथ ऐसे ओकेशन, ऐसे टाइम जिस टाइम हम नहीं चाहते कि हमारे पीरियड आए, बट डोंट नो पीरियड को कैसे मालूम चलता है कि आज ही के दिन इनने बोला है कि मुझे नहीं आना है और आज ही के दिन मैं आऊंगा। तो ये चीज होती है, ठीक है। मान के चलो एग्जाम को लेके बात करूं तो अपन ये सोचते हैं अरे एग्जाम के बाद की डेट है पीरियड की, एग्जाम के बाद आएगा तो टेंशन नहीं है पीरियड को लेके। बट होता क्या है, एग्जाम टाइम पे पीरियड आ जाते हैं। शादी को लेके बात करें, अपन सोचते हैं कि घर पे शादी में जाना है, दीदी की शादी में जाना है, अरे मेरी तो डेट पहले है, पहले आ जाएगी, मैं पहले फ्री हो जाऊंगी पीरियड से। या तो शादी वाले दिन आएगी या तो उससे एक दिन पहले आ जाता है। ऐसी सेम होली हो गया, दिवाली हो गया, फेस्टिवल में ना जिस दिन हम नहीं चाहते हैं, एंड मैक्सिमम ये लड़कियों के साथ हुआ होगा जब वो सोचती हैं कि इस दिन मुझे पीरियड आएगा नहीं क्योंकि इस दिन तो भैया डेट है ही नहीं, बाद में आएगा, ये आएगा, यस आई कैन एंजॉय दैट टाइम, बट उसी टाइम पीरियड आ जाता है ना। एग्जाम टाइम में पीरियड आ गया है तो कैसे स्ट्रेटजी बनाए स्टडी को लेके, या फिर एग्जाम आने वाले हैं पीरियड पहले ही आ गया है पर मन नहीं करता है पढ़ाई करने का, क्या चीज फॉलो करे तो थोड़ा मन लग जाए पढ़ाई करने में। तो देखो गाइस, सबसे पहले जो चीज इंपॉर्टेंट होती है पढ़ाई करते टाइम वो होता है कंसंट्रेशन, ठीक है। चाहे आप एक घंटे पढ़ते हो, अगर आप ध्यान लगा के भी पढ़ोगे ना तो फालतू के पांच घंटे बैठ के पढ़ते हो ना, मतलब बिना दिमाग लगाए, उससे काफी बेटर है कि एक घंटे ध्यान से मन लगा के पढ़ो। तो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड पीरियड टाइम पे कंसंट्रेट होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सही पीरियड प्रोडक्ट का चुनाव करें, मतलब सही पीरियड प्रोडक्ट सिलेक्ट करें। बात करूं सैनिटरी पैड को लेके, आप जो भी सैनिटरी पैड में कंफर्टेबल हो आप वो यूज कर सकते हो। बट क्या होता है ना, मान के चलो एग्जाम टाइम को लेके बात करूं, जब आप आंसर शीट में अपने आंसर लिख रहे होते हो एंड आप उस टाइम पे पीरियड टाइम पे हो एंड आप सोच रहे हो कि शायद सैनिटरी पैड चेंज करना पड़ेगा, ओवर हो गया है, अब क्या करें, एंड आपका ये भी माइंड सेट होता है कि टीचर जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि कुछ टीचर जाने ही नहीं देते एग्जाम टाइम में। तो आप ये मन में सोचते हो कि सैनिटरी पैड अगर मैंने चेंज नहीं किया तो वो लीक हो जाएगा, तो वो टेंशन रहती है। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी मेंस्ट्रुअल कप, एंड गाइज मैं सिरोना का मेंस्ट्रुअल कप यूज करती हूँ, बिकॉज आप बहुत ज्यादा पूछते हो कि दीदी आप कौन सा मेंस्ट्रुअल कप प्रेफर करते हो, कौन सा यूज करते हो। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी मेंस्ट्रुअल कप को यूज करने वाली, मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया था तो वो मेंस्ट्रुअल कप भी सिरोना का था, और आज भी मैं सिरोना का ही मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रही हूँ। इस मेंस्ट्रुअल कप ने ना मेरी पीरियड लाइफ में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चेंज लाया है, एंड इसको यूज करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। सी फोल्ड या फिर पंच फोल्ड आप बना के इसको आप अपने वेजाइना में इंसर्ट कर सकते हैं, एंड ना तीन अलग साइज में आता है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। स्मॉल मीडियम जो है टीनेजर्स के लिए होता है, मीडियम जब आपका हैवी फ्लो होता है ना तब आप मीडियम यूज कर सकते हो, एंड लार्ज जो है जितनी भी मदर्स होती है ना उनके लिए होता है। सिरोना का मेंस्ट्रुअल कप है ना ये FDA अप्रूव्ड है, एंड साथ ही साथ 100% मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना हुआ है, एंड 8 से 10 घंटे तक आप इसको यूज कर सकते हो, लीकेज की कोई टेंशन नहीं, बदबू की कोई टेंशन नहीं, और साथ ही साथ इको फ्रेंडली है। आपके लिए भी बहुत ज्यादा बेस्ट है कि आप केमिकल प्रोडक्ट से दूर रहोगे, एंड साथ ही साथ एनवायरमेंट के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो आप ये चीज अगर स्विच कर रहे हो मेंस्ट्रुअल कप पे तो आप अपने लिए भी एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्टेप ले रहे हो, साथ ही साथ एनवायरमेंट के लिए भी। इस मेंस्ट्रुअल कप को वॉश करने के लिए मैं यूज करती हूँ सिरोना का मेंस्ट्रुअल कप वॉश, जो कि कुछ इस टाइप से आता है, एंड आधा यहाँ पे मैंने फिनिश कर लिया है एंड आधा बचा हुआ है। सो गाइज देखो, ऐसा नहीं है कि मेंस्ट्रुअल कप आप यूज कर रहे हो तो कंटिन्यू यूज करते गए, आफ्टर ईच यूज आपको इसको वॉश करना होता है। तो इसकी कुछ ड्रॉप आपको लेनी होती है मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर, नॉर्मल पहले तो वॉश कर लो मेंस्ट्रुअल कप को, एंड आफ्टर दैट आप कुछ ड्रॉप ले लो इसकी, एंड उसके बाद अच्छे से रगड़ के थोड़ा बहुत हर जगह अंदर बाहर अच्छे से प्रॉपरली आपको इसको क्लीन करना है, एंड उसके बाद नॉर्मल वाटर से आप इसको वॉश कर लीजिए। तो जो भी गंदी बदबू होती है वो चली जाएगी, जो भी ब्लड स्टेन लगा होता है वो भी चला जाएगा, और बहुत प्लीजेंट सी माइल्ड सी खुशबू आपको इसमें से मिलेगी। अगर आपके मन में ये चीज डाउट है कि यार ये केमिकल प्रोडक्ट है, फिर इसमें लगाएंगे, फिर इसको इंसर्ट करेंगे तो कहीं दिक्कत ना हो, तो गाइज ये बहुत ही ज्यादा सेफ है, कोई इश्यू नहीं होगा। कुछ गर्ल्स ने मेरे को कमेंट में भर के ये भी बोली थी कि दीदी इंसर्ट करते नहीं बन रहा है, स्मूथली अंदर नहीं जा पा रहा है, कोशिश तो बहुत ज्यादा कर रही हूँ। सो गाइज आप ना ये यूज कर सकते हो, सिरोना का जो है ल्यूब ट्यूब भी आता है, लुब्रिकेंट आता है, इसको अप्लाई करने पे वेजाइना के पास ये जो कप है
इजिली इंसर्ट हो जाता है. मीन्स पीरियड टाइम पे देखो ब्लड एक लुब्रिकेंट का काम करता ही करता है, बट समटाइम अपन फेल हो जाते हैं उसमें भी. तो आप इसको यूज कर सकते हो, वेजाइना एरिया में लगा सकते हो, एंड एक्चुअली गाइज इट इज सेफ, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है. ये ना वेजाइना के पीएच लेवल को भी मेंटेन करके रखता है, और साथ ही साथ अगर आपको वेजाइना में ड्राइनेस की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये सॉल्व करता है. एंड गाइज इफ इन केस अगर आप इनको परचेज करते हो तो ये वाला कूपन कोड जरूर यूज करिएगा, जो कि है RT25 टू गेट 25% फ्लैट ऑफ ऑन MRP. एंड प्राइस वैल्यू जो कार्ड की होनी चाहिए वो 599 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये कूपन कोड काम करेगा. एंड ऑल्सो ये कूपन कोड जो है वैलिड है 6 मंथ के लिए, सो मेक श्योर जाके जल्दी से आप इनको परचेज करें. अगर आप इस पे स्विच करोगे ना तो पता है बहुत सारी चीजों से आप फ्री हो जाओगे. मान के चलो आप एग्जाम दे रही हो, आपको लग रहा है कि सैनिटरी पैड चेंज करना है, शायद ज्यादा भर गया है या फिर इधर उधर हो गया, सैनिटरी पैड लीक हो जाएगा, तो ये यूज करोगे ना तो एग्जाम देते टाइम ना आपका ध्यान लिखने में होगा, ना कि टेंशन लेने में कि पीरियड कहीं लीक ना हो जाए, ब्लड कहीं लग ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. एंड इवन कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपन सोचते हैं कि वॉशरूम चले जाए बट सामने जो टीचर है वो अलाउ नहीं करेंगे, तो उस सिचुएशन में आप फंस जाते हो. बट मेंस्ट्रुअल कप बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. एंड साथ ही साथ शादी को लेकर बात करें, अपन लोग प्रोग्राम बनाते हैं कि यार शादी में डांस करना है, बट यहाँ पे अगेन ये चीज आ जाती है, अरे यार सैनिटरी पैड इधर उधर हो जाएगा, लीक हो जाएगा, ब्लड गिरा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो मेंस्ट्रुअल कप है देन मैं बोलूँ ना बहुत सारी चीजों से छुटकारा मिल जाएगा. ट्रेवल करने जा रहे हो क्योंकि ट्रेवल करने में भी इजी है, और साथ ही साथ डिस्पोज करने का टेंशन नहीं होता. सैनिटरी पैड लगाए रहो ना तो यार इसको कहाँ डिस्पोज करे, कहाँ फेंके, कोई देख लेगा, ये वो. मेंस्ट्रुअल कप इज समथिंग कि आपको इसको यूज करना है एंड वॉश भी करना होता है. तो गाइज देखो मेंस्ट्रुअल कप पे अगर आप स्विच करते हो ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा. ये जो टैबूज होते हैं, ये जो मिथ्स होते हैं, जो आप सोचते हो कि यार ऐसा ऐसा वर्जिनिटी वगैरह नॉन, प्लीज उसको दूर करो और डरो मत इस चीज से. मेंस्ट्रुअल कप आप यूज करके देखो, यू विल सी द डिफरेंस इन योर पीरियड लाइफ. एंड अभी की एक स्टोरी बताती हूँ. मैं गाँव गई हुई थी, एंड आपको भी मालूम होगा जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा था, ट्रेनें रद्द कर दी गई थी. एंड मैंने शॉर्ट भी आपके साथ शेयर किया था, रील्स में भी शेयर किया था, और साथ ही साथ यूट्यूब के शॉर्ट में भी आपके साथ शेयर किया था. सारा कैंसिल, सारी ट्रेन रद्द कर दी गई थी. एंड जब हम लोग घर से निकले थे तो ये चीज थोड़ी बहुत मालूम थी कि ट्रेन कैंसिल हो रही है, बट मुझे उसी दिन पीरियड आ गया था. गाइज भगवान कसम उस दिन मेरे को पीरियड आ गया. मतलब इतने दिन मैं गांव में रही, मुझे पीरियड नहीं आया, और जिस दिन मुझे सफर करके इधर आना था उसी दिन मेरे को पीरियड आ गए. तो मैंने माइंड में ये सेट किया कि मैं मेंस्ट्रुअल कप लेके जाने वाली हूँ, बिकॉज सैनिटरी पैड मैं पता नहीं कहाँ डिस्पोज करूंगी, कैसे चेंज करूंगी, क्या क्या करूंगी, कैसे यूज करूंगी. इसीलिए मैंने मेंस्ट्रुअल कप लिया ये वाला, एंड उसके बाद मैंने बहुत इजिली अपने पीरियड को डील कर लिया था. एंड भगवान की कृपा से जिस ट्रेन से हमें आना था वो ट्रेन रद्द नहीं हुई थी. सो अपने आप को मैं इस चीज में लकी मानती हूँ. सेकंड पॉइंट यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी, देखो पीरियड टाइम पे पेन भी होता है, तो पीरियड का पेन अगर आप कम करोगे तो और अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगे. तो इसके ऊपर मैंने वीडियो शेयर की थी, तो रेफरेंस वीडियो जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसमें मैंने शेयर किया है क्या क्या चीज मैं फॉलो करती हूँ जिससे मेरा जो क्रैम्प है वो कम हो जाता है. नेचुरल ड्रिंक आप ले सकते हो, या फिर हॉट वाटर बैग आता है उसको भी यूज कर सकते हो. मेडिसिन बिल्कुल भी मत लेना, प्लीज बिल्कुल मत लेना. रेफरेंस वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जाके चेक जरूर कर लीजिएगा. ये वाली चीज भी आप जरूर फॉलो करिएगा कि पीरियड टाइम पे ना जब आप स्टडी करने बैठते हो ना तो चीजों को ऑरली याद करना, मतलब कॉपी ले लिया एंड अपन जो बोलते हैं ना दिस इज दैट आंसर याद करते हैं, तो वो चीज ना करते हुए जो राइटिंग स्टडी होती ना, लिख लिख के पढ़ाई करने वाला, वो चीज आप फॉलो करना. बिकॉज जब आप लिखोगे ना तो ध्यान होगा लिखने के ऊपर, ठीक है, दिमाग वो चीज चलती रहेगी. बट अगर आप ओरली याद करने बैठोगे कि कॉपी आपने सामने रख ली एंड उसके बाद आप ऐसे बोल रहे हो, मीन्स देयर वॉज सो मेनी चिल्ड्रंस प्लेइंग इन द ग्राउंड एंड जब धीरे धीरे ऐसे बोलते 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 ना ध्यान इधर से उधर चला जाएगा, ठीक है. एक तो पीरियड टाइम पे ना मन इधर से नहीं, एब्डोमिनल एरिया से मन नहीं करता है पढ़ने का, ठीक है. नीचे का एरिया बोलता है कि मत पढ़ो, ये नहीं कहता, नीचे का एरिया कहता है कि मत पढ़ो. मतलब सोच रहे हो आप, ऐसी कंडीशन हो जाती है पीरियड टाइम पे. मेरा क्या मानना है ना, 1 घंटे पढ़ाई करते हो तो 10 मिनट का ब्रेक लिया करो, और 2 घंटे पढ़ाई करते हो तो 20 मिनट का ब्रेक लिया करो. एंड ब्रेक में क्या करना है आपको, पानी पीजिए, जितना हो सके पानी पीजिए. पानी पीना पीरियड टाइम पे बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है. पीरियड क्रैम्प भी बहुत ज्यादा रिड्यूस करता है और हाइड्रेटेड रखता है बॉडी को, ठीक है. तो क्या मैंने बोला था, 10 मिनट का ब्रेक लो. 10 मिनट के ब्रेक में, 20 मिनट के ब्रेक में आप म्यूजिक सुन सकते हो, कोई भी ड्राइंग करनी है, टाइम पास करना है, मतलब टाइम पास करने वाली चीज, ठीक.
ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि आपने अगर ब्रेक लिया तो आपका ध्यान भटक जाएगा, तो मत लो ब्रेक, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। मान के चलो एग्जाम डेट आ गई है एंड पीरियड पहले ही आ गया है, और अपन ये सोचे कि टाइम टेबल कैसे बनाए, वरना पीरियड का टाइम ना एकदम वेस्ट चला जाएगा कि पीरियड टाइम में कुछ पढ़ाई नहीं की, बट उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ करना तो जरूरी है ना, तभी ना सब्जेक्ट कवर कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं उनको कवर करना होता है। तो गाइस, एक ना एक सब्जेक्ट तो ऐसा होता ही है जो अपना फेवरेट होता है, जिसको अपन को पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, तो पीरियड टाइम पे वो सब्जेक्ट उठाओ और उसको कवर करो, क्योंकि वो इजी होता है, हमें मजा आता है पढ़ाई करने में। तो जब वो बनता है तो अपन सोचते हैं और पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते पढ़ते, तो आप पीरियड टाइम पे ना इस सब्जेक्ट को कवर कर पाओगे जो भी आपका फेवरेट है, एंड जो भी हार्ड सब्जेक्ट है उसको बाद में कर लो, या फिर कोशिश करो पहले जितना जल्दी फिनिश कर लेगी, ठीक है। एंड ऑल्सो एक और बार मैं रिमाइंड कर रही हूँ, सैनिटरी पैड की जगह मेंस्ट्रुअल कप पे अगर आप स्विच करते हो, तो चाहे वो शादी हो, चाहे एग्जाम हो, चाहे आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो, या कुछ भी हो, कोई भी एक्टिविटीज, कोई भी ओकेशन हो, आप उसको, मैं कह रही हूँ ना 100% आप उसको एंजॉय कर पाओगे। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करूंगी हेल्पफुल रही होगी, एंड कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले